हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी ई टी एंड टी ई टी प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं बाल विकास के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो आपके सी टी ई टी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालना तथा लक्ष्य को संबंधित करना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी कार्य को करने, निरंतर जारी रखने तथा उस पर नियंत्रण रखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 98 है, चिंता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक चालना। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम व स्नेह आवश्यकताएं हैं। इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, प्रेम और स्नेह मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का आंतरिक सिद्धांत निम्नलिखित में से दिया था? अभिप्रेरणा का आंतरिक सिद्धांत मूड़े ने दिया था। 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा में निहित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुक्रिया में परिवर्तन। छात्रों को अभिप्रेरित करने के संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक की अवहेलना की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मित्रों से संबंध। प्रेरणा शब्द से संबंधित मुख्य प्रश्न जुड़ा हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या। 104 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य स्रोत है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकताएं। 105 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः शब्द चालना का प्रयोग तब किया जाता है जब वह जीव में जब व्यक्ति के मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। 106 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण का वह तत्व जो जीव को चालना को संतुष्ट करता है कहलाता है? इसका आंसर होगा प्रलोभन। 107 नंबर क्वेश्चन है, वे प्रेरक जो जीव को जीवित बनाए रखते हैं कहलाते हैं? इसका आंसर होगा दैहिक आवश्यकताएं। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विभिन्न स्रोतों में से प्रेरणा का स्रोत नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल प्रवृत्तियाँ। 109 नंबर क्वेश्चन है, वे चालक जो दैहिक असंतुलन का परिणाम होते हैं कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक चालक। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आगे की वीडियोस में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।